बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसका आज 29वां दिन है। करीब एक महीने से रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जे की जंग लड़ रही है। युद्ध के बिगड़ते हालात को देखते हुए आज नेटो की आपात बैठक बुलाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठक में शामिल होने के लिए ब्रसेल्स रवाना हो गए हैं। ब्रसेल्स के बाद राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे। रूस ने बाइडेन की इस यात्रा पर कड़ा विरोध जताया है। रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी राजनयिकों को निकाल दिया है। इससे पहले अमेरिका रूस के 12 राजनयिकों को जासूसी के आरोप में बर्खास्त कर चुका है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहा यह युद्ध बार बार परमाणु हमले की तरफ इशारा कर रहा है। इस बात को कुछ खास लोगों के बयान से समझा जा सकता है। ये हैं दमित्री पेशको, जो रूस की सरकार के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने आज सुबह ये बयान दिया है कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा होता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जो यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास परमाणु बम गिराने की क्षमता है। इस बयान में सीधे सीधे परमाणु हमले का जवाब देने की भूमिका है। रूस के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति पुतिन साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्षों को परमाणु हमला करने वाली डेटरेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया जा चुका है। यूक्रेन युद्ध के 28वें दिन आज एक बार फिर रूस ने परमाणु हमले की आशंका जाहिर कर दी है। रूस अपने अस्तित्व की रक्षा के नाम पर परमाणु हमला करने का माहौल बना रहा है। कुछ दिन पहले बहुत बड़ी एंटी मिसाइल डिफेंस ड्रिल की थी साइबेरिया के अंदर, जो उसका बहुत बड़ा एक बर्फीला इलाका है साइबेरिया एशिया के इलाके में, वहां बहुत बड़ी एंटी मिसाइल डिफेंस ड्रिल हुई थी जो कई साल बाद हुई है। इसके अलावा उसने जो अपने परमाणु हथियार हैं उनको हाईएस्ट स्टेटस ऑफ अलर्टनेस पे रखा हुआ है। उसी प्रकार अभी कुछ यूरोपीय देश भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। वो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो क्या क्या अभ्यास करने हैं, किस तरह से अपने नागरिकों को बचाना है और क्या क्या काउंटर मेजर्स वो लेंगे। कमाल की बात ये है कि यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने वाला देश रूस अपने अस्तित्व की चिंता करते हुए परमाणु हमले की बात कह रहा है। रूस की इस बौखलाहट के पीछे की वजह समझिए कि वो बार बार परमाणु हमले की धमकी क्यों दे रहा है। 28 दिन गुजर जाने के बाद भी रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। अमेरिका के प्रतिबंधों से पिछले 28 दिनों में रूस की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई है। युद्ध के दौरान रूस के हथियारों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे रूस का सैन्य बजट गड़बड़ा गया है। युद्ध के खिलाफ रूस के अंदर चल रहे भारी विरोध की वजह से पुतिन सरकार की छवि खराब हो रही है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने के लिए शांति सेना भेजने का प्रस्ताव रखा है। रूस किसी भी हालत में कोई भी नाटो देशों के सैनिक यूक्रेन के अंदर किसी भी रोल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर बात बहुत पॉजिटिव बेस्ट केस सिनेरियो हम लेके चलें तो वो ये है कि रूस ह्यूमैनिटेरियन मदद के जो दे रहे हैं लोग उनकी रक्षा में शायद कुछ हाँ बोल दे, लेकिन उसमें जो सैनिक आएंगे उनकी मदद के लिए शांति सेना के, वो सैनिक न्यूट्रल देशों से होंगे, जिसमें हिंदुस्तान जैसा देश जो न्यूट्रल है इसमें वहां से हो सकते हैं। नेटो देशों के सैनिक किसी भी रूप में रूस यूक्रेन के अंदर किसी भी रोल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, अगर नेटो बहुत एग्रेसिव स्टांस लेता है इसमें और सोफिस्टिकेटेड हथियार सप्लाई करने का फैसला करता है यूक्रेन को, या किसी और तरह के इंटरफेरेंस के लिए राजी हो जाता है, तो ये युद्ध डेफिनेटली एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। ये बात रूस को अंदर तक चुभ गई है, इसलिए एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी गई है। रूस की ये ताजा धमकी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्र पेशकोव के हवाले से आई है। सुनिए ये बयान कब और कैसे आया। एक पत्रकार ने पेशकोव से पूछा, क्या आप मानते हैं या आपको भरोसा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन परमाणु विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पर पेशकोव ने कहा, अगर हमारे देश पर खतरा आया तो हम इसका इस्तेमाल अपने तय नियम के मुताबिक करेंगे। जब रूस के विदेश मंत्री चेतावनी दे चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा, मगर इसके लिए वो यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी भी कर चुके हैं।
लेकिन रूस घूम फिर कर परमाणु हमले के लिए आमादा दिखाई दे रहा है। इससे पहले रूस दुनिया भर के देशों को धमका चुका है। पुतिन साफ साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका या नाटो देश आए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि रूस से परमाणु युद्ध करने की स्थिति में किसी भी देश की हिम्मत नहीं है। रूस के पास कुछ ऐसे परमाणु हथियार हैं जिनसे टकराने की हिम्मत अमेरिका और किसी भी नाटो देश में नहीं है। इस खतरे को नकारा नहीं जा सकता है कि इस युद्ध में नाटो की एंट्री रूस को परमाणु हमले करने वाला कदम साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए तबाही और इंसानियत के लिए सबसे दुखद दिन साबित होगा। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।